वीडियो को लाइक से और सब्सक्राइब कर दें फर्स्ट टाइम होंगे तो। ये देखिए प्रीवियस ईयर करवाया जाएगा सॉल्ट पेपर यूजीसी नेट जेआरएफ एसेट एग्जाम के लिए। अक्टूबर 2020 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, वो आपको करवाया जाएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट ले गए हैं। बार बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं इससे। नतीजे बिल्कुल आपको स्टार्ट कर दिए, लास्ट तक अवश्य वीडियो को देखें, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इंग्लिश पेपर 2 का। तो डिडक्टिव मेथड डिफर्स फ्रॉम द इंडक्टिव मेथड इन ड्रॉइंग इट्स कंक्लूजन फ्रॉम, कहता है डिडक्टिव मेथड से अगर डिफर होता है फ्रॉम द इंडक्टिव मेथड से इन ड्रॉइंग इट्स तो क्या कंक्लूजन निकलता है, क्या इसका निष्कर्ष निकलता है फ्रॉम से। ए वेरिफिकेशन, बी पार्टिकुलर इंस्टेंसेस, सी एप्लीकेशंस और डी जनरल ट्रूथ। तो ये निकलता है देखिएगा, जो बताता है आपको इंडक्टिव मेथड से आपका कहाँ, डिडक्टिव से इंडक्टिव मेथड जो होता है आपका ड्रॉइंग कंक्लूजन, उसे कहते हैं आपका जनरल ट्रूथ, मतलब वन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जर्नल्स पब्लिशेस आर्टिकल्स रिलेटेड टू क्रिटिकल थ्योरी एक्सक्लूसिवली, करेक्ट इनमें से कौन सा एक पत्रकारिता के क्षेत्र में जो एक्सक्लूसिवली दिखाने का काम करती है। ए सालमागुंडी, बी डायक्रेटिक्स, सी कैलेलो और डी ग्रांड स्ट्रीट। बताना फ्रेंड्स 2 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिएगा फ्रेंड 2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डायक्रिटिक्स हो जाएगा आपका राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की और, आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आपको टाइम दिया जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशंस बेस्ट एक्सप्रेसेस द पोजीशन ऑफ पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट क्रिटिसिज्म, इनमें से कौन सा जो है वो सबसे अच्छा एक्सप्रेस दिखाता है पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट क्रिटिसिज्म का। ए है ऑप्शन ए डेफिनेट स्ट्रक्चर्स अंडरलाई इंपीरियल इवेंट्स, ऑप्शन बी लैंग्वेज इज रिप्रेजेंटेशनल, ऑप्शन सी एप्रीहेंशन ऑफ रियलिटी इज ए कंस्ट्रक्ट और ऑप्शन डी नॉलेज ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू प्रोसीड्यूर्स दैट आर एक्जीमेटिक। बताएंगे फ्रेंड्स का आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। देखिए बताता है पोस्ट स्टूडेंट को किसके बारे में, तो एप्रीहेंशन ऑफ रियलिटी इज ए कंस्ट्रक्ट, मतलब 3 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई बढ़ते फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। नंबर 4 कहता है हु अमंग द फॉलोइंग थ्योरिस्ट पार्टिकुलरली इम्फेसाइज द सोशल एंड हिस्टोरिकल डायमेंशंस ऑफ ए टेक्स्ट रिसेप्शन, ये भी पूछा गया था क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन सा जो है वो थ्योरिस्ट पार्टिकुलरली जो है क्या जोर करते हैं सामाजिक और हिस्टोरिकल ऐतिहासिक पे डायमेंशंस ऑफ टेक्स्ट रिसेप्शंस। ऑप्शन ए वॉल गैंग आइसर, बी स्टेनले फिश, सी हैंस रॉबर्ट जेउस और डी है पियरी बॉर्डी। ठीक है आपका ऑप्शन नंबर सी हैंस रॉबर्ट जॉस। आइए बढ़ते फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका 5th नंबर की ओर। कहता है विच वन अमंग द फॉलोइंग इज ए सेट ऑफ द मेटाफिजिकल पोर्ट, इनमें से कौन सा जो है मेटाफिजिकल पोर्ट जाने जाते हैं बताना है। ए जॉन ड्राइडन, जॉर्ज हर्बर्ट एंड रिंडर पोप, बी हेनरी वॉगन, जॉन ड्राइडन एंड जॉन डन, सी जॉन डन हेनरी वॉगन एंड एंड्रयू मार्वे, ऑप्शन नंबर डी है सैमुअल जॉनसन टी एस एलियट एंड हर्बर्ट ग्रीशन। देखिए आपका मेटाफिजिकल पोर्ट से क्वेश्चन एग्जाम 100% आते हैं। देखिए मेटाफिजिकल पोर्ट जो है इसमें जॉन डन हेनरी वॉन एंड एंड्रयू मार्वेल है। 5th का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। कहता है हु सेड ऑफ द ब्लैंक वर्स, किसने ब्लैंक वर्स के बारे में कहा था, कॉटिंग एन अननेम्ड क्रिटिक दैट इट इज वर्स ओनली टू द आई, एडिंग फर्दर दैट इट हैज ए नाइदर द आईजीनेस ऑफ प्रोपम, मतलब होता है स्टोरी के बारे में नॉट द मेलोडी ऑफ नंबर्स। ए जॉन डायडन, बी अलेक्जेंडर पोप, सी सैमुअल टेलर कॉलरीज और ऑप्शन डी है आपका सैमुअल जॉनसन। ठीक है फ्रेंड किसने कहा था ब्लैंक वर्स के बारे में, उसने कहा था सैमुअल जॉनसन ने। 6th का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की और। 7 करता है पोएट्री अकॉर्डिंग टू सर फिलिप सिडनी, सर फिलिप सिडनी के अनुसार पोएट्री क्या है, इज ऑफ 3 काइंड्स, के 3 काइंड 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन होते हैं वो आपको बताना है। ए रिलीजियस ड्रामेटिक रोमांटिक, ऑप्शन नंबर बी क्लासिकल रोमांटिक न्यू क्लासिकल,
और ऑप्शन सी है फिलोसफिकल इमेजिनेटिव नैरेटिव और नंबर डी है रिलीजियस फिलोसफिकल और इमेजिनेटिव। फ्रेंड्स सेवेंथ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए हो जाएगा सेकंड आंसर हो जाएगा आपका रिलीजियस फिलोसफिकल एंड इमेजिनेटिव, मीन्स सेवेंथ का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर एट की और बिल्कुल लास्ट हमारे रहेंगे। देखिए आते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट और एट नंबर की और देखिए क्वेश्चन नंबर आपका एट कहता है इन एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशंस इज गिवन बाय हेराल्ड ब्लूम, हेराल्ड ब्लूम का है टू एक्सप्लेन द टर्म क्लीनामेन, किसने एक्सप्लेन किया था इसके बारे में। ए पोएटिक हाइपरबोल, बी है आपका पोएटिक मिसप्रिजन, सी है आपका पोएटिक सबलाइम और ऑप्शन डी है पोएटिक सप्लीमेंट, किसने दिया था ये हेराल्ड ब्लूम के बारे में। देखिए दिया था उसका कहते हैं आपका पोएटिक मिसप्रिजन, मीन्स क्या होगा एट का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका नाइन्थ की ओर, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉन टू हैव पॉपुलराइज्ड द टर्म ग्लोकलाइजेशन, ग्लोकलाइजेशन जो है किसने दिया जाना जाता है वो आपका प्रसिद्ध था किसके बारे में वो बताना है। ए रोनाल्ड रॉबर्टसन, बी फ्रांसिस फुकुयामा, सी जॉन उरे और डी है जॉन टॉमलिंसन, क्या होगा। देखिए अगर नाइन्थ का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रोनाल्ड रॉबर्टसन जाने जाते हैं इनमें से पॉपुलराइज द टर्म ग्लोकलाइजेशन का, मीन्स ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 10 की ओर, ऑन 11 दिसंबर 2023 राम मोहन राय, पूरा नाम क्या है अजय राम मोहन राय, एड्रेस्ड ए लेटर टू द ब्रिटिश अथॉरिटी के बारे में बताए थे विच प्लीडेड फॉर मॉडर्न वेस्टर्न इन एजुकेशन के बारे में एंड इज कंसीडर्ड और विचार किए हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, मतलब कितना इंग्लिश एजुकेशन का इंडिया में हम लोग का इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बताए थे कौन अजय राम मोहन राय, हु वाज लेटर एड्रेस टू, किसने इसको एड्रेस किया था। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड एमहर्स्ट ने, बी लॉर्ड मिंटो ने, सी लॉर्ड मैकाले ने और डी लॉर्ड बेंटिंग ने। तो देखिए कहा था आपका लॉर्ड एमहर्स्ट ने कहा था, मींस नाइन्थ का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा टेंथ का ऑप्शन नंबर ए। आई बढ़ते फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका इलेवेंथ की और, Who among the following was the first director of the Central Institute of English and Foreign Language? इनमें से कौन से जो हैं फर्स्ट डायरेक्टर बने जाते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज का, हैदराबाद में है नाउ EFL यूनिवर्सिटी है फिलहाल यहाँ पे हो गया है। ए प्रोफेसर बी के गोकक, बी प्रोफेसर सी डी नरसिम्हा, सी प्रोफेसर सी जे दसवामी और डी आपका प्रोफेसर के आर एस आयंगर, बताना फ्रेंड्स क्या होगा इनका करेक्ट आंसर। देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रोफेसर भी के गोखक, इज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12 की और, हु अमंग द फॉलोइंग लिंग्विस्टिक प्रपोज द टर्म्स कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस, कौन जाने जाते हैं इनमें से पर कॉम्पिटेंस और परफॉर्मेंस के बारे में। ए नो वेबस्टर, बी स्टीवन पिंकर, सी रोमन जैकॉब्सन और ऑप्शन डी है नोआम चॉम्स्की। देखिए आप कंपटीशन कंपिटेंस और परफॉर्मेंस के बारे में बताया था नोआम चॉम्स्की ने, मींस ट्वेल्थ का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की और, 13 कहता है विच वन ऑफ दीज स्टेटमेंट्स डिफाइंस द स्कोप ऑफ सिमेंटिक्स, किसके द्वारा कहा गया था स्कोप ऑफ सिमेंटिक्स के बारे में, कौन सा स्टेटमेंट्स कथन है डिफाइन करता है। ए सिमेंटिक्स स्टडीज द साउंड सिस्टम्स ऑफ ए लैंग्वेज जाना जाता है, बी सिमेंटिक्स इज स्टडी ऑफ ए साइंस सिस्टम्स, सिमेंटिक्स क्या है साइंस सिस्टम के बारे में अध्ययन किया जाता है, सी है सिमेंटिक्स स्टडीज ह्यूमन साइंस सिस्टम ओनली, ऑप्शन डी है सिमेंटिक्स इज स्टडी ऑफ नॉन ह्यूमन साइंस सिस्टम्स ओनली, सिमेंटिक्स क्या है ये नॉन ह्यूमन स्टडी के बारे में बताती है। एंड द डिफरेंट सिमेंटिक्स जो है स्टडी ऑफ साइंस सिस्टम है, मीन्स 13th का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रखिएगा। आई बढ़ते फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 की और, 14 कहता है विच अकॉर्डिंग टू थॉमस हॉबेज के अनुसार इज द ओनली साइंस गॉड हैज बिस्टोवेड ऑन मैनकाइंड दैट इन्फॉर्म्स द स्ट्रक्चर ऑफ हिज मोन्यूमेंटल वर्क लेवियथम,
बताना है ए एस्ट्रोनॉमी, बी आर्किटेक्चर, सी ऑकल्ट साइंसेस और डी ज्योमेट्री। बताना फ्रेंड्स 14th का आंसर क्या होगा। डी हो जाएगा, 14th का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ज्योमेट्री। ठीक है, आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका 15 नंबर की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आते हैं, लगातार वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत आपको बेनिफिट साबित होगा। कहता है फ्रेंड की विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज स्ट्रक्चर इन टू अ 999। देखिए कौन सा है नॉवेल जो है 999 लाइंस में लिखा गया। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार वीडियो को लाइक कर दो फ्रेंड्स। कौन सा नॉवेल है जो 999 लाइन में लिखा गया था, प्रिसीडेड बाय ए फॉरवर्ड फॉलोड ए कॉमेंट्री एंड इंडेक्स। कहता है इनमें से कौन सा नॉवेल है जिसका स्ट्रक्चर 999 लाइन में लिखा गया था, बताना है इसको नॉवेल का नाम। ए रैगटाइम, बी पेल फायर, सी द इनर साइड ऑफ द विंग और ऑप्शन डी है आर ग्लास। बताना फ्रेंड्स 15th का ऑप्शन नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, जान लीजिएगा। वो देखिए आपका फ्रेंड्स पेल फायर जो ऐसा नॉवेल है जो 999 लाइन में इसे लिखा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट, देखिएगा पेल फायर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन 16 की ओर। व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ इवान्स कंट्रोवर्शियल एसे इन ब्रदर्स कैरामेजाव। कहता है सब्जेक्ट कौन सा था इवान्स कंट्रोवर्शियल्स का जो ब्रदर्स कैरामेजाव का था। ए ट्रांसबस्टेंशियस सेशन, बी है द एविल्स ऑफ, देखिए हल्का सा लिटरेचर में कोई वर्ड आपका डिफिकल्ट रहता है याद रखिएगा, द एविल्स ऑफ क्लर्जी। ऑप्शन सी है द यूकेरिस्ट और डी है आपका इकेलेसिस्टियल कोर। बताएं फिर 16 ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा। देखिए मैं उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, इकेलेसिस्टियल आपका कोर्स हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग शरलॉक होम्स स्टोरीज रेफर्स टू ए सिग्निफिकेंट इवेंट इन इंग्लिश हिस्ट्री। कहता है इनमें से कौन सा शरलॉक होम्स का स्ट्रक्चर था जाना जाता है सिग्निफिकेंट एक आपका इंग्लिश हिस्ट्री के रूप में, द मस्ग्रोव रिचुअल, बी द स्पेकल्ड बैंड, सी है द सॉलिटरी साइक्लिस्ट और डी है द रेड हेडेड लीग। फ्रेंड्स क्या देखिए 17 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए द मस्क्रियू रेचियर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका 18 की। 18 कहता है हु इज द ऑथर, ऑथर का नाम बताना है ऑफ ए फ्रैगमेंट 1819 वन ऑफ द अर्लीस्ट वेम्पायर स्टोरीज इन इंग्लिश। ए पी बी सैले, पी बी सैली सैली, बी लॉर्ड बायरन, सी ब्रैम स्टोकर और डी है आपका मैरी सीले। ठीक है बताना क्या हुआ 18 का, ठीक हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लॉर्ड बायरन। क्या हो जाएगा ऑथर का नाम है जो फ्रेगमेंट है कहा था लिखा था उसका है लॉर्ड बायरन। बढ़ते फिर क्वेश्चन नंबर 19 की और इन विच ऑफ द बॉग पोएम्स डज सीमस हेने स्पीक अबाउट द पेरिसेबल ट्रेजर ऑफ ए बॉडी मर्डर्ड फॉरगॉटन नेमलेस टेरिबल। बताना फ्रेंड्स क्या हो जाएगा आपका 19 का। ऑप्शन नंबर ए बॉग क्वीन, ऑप्शन नंबर बी ग्रेबडल मैन, ऑप्शन नंबर सी पनिशमेंट और ऑप्शन नंबर डी देखिए आपका है अस्ट्रेंज फ्रूट। बताना है इनमें से कौन सा जो है बॉग पोएम्स हैं जाने जाते हैं सीमस हेने स्पीक का अबाउट पेरिसेबल ट्रेजर के बारे में बात किया गया है। देखिए फ्रेंड्स का 19 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी स्ट्रेंज फ्रूट हो जाएगा। वीडियो एक बार शेयर कर दे फ्रेंड जो हमारे लाइव आए हुए हैं। देखिए क्वेश्चन 20 कहता है हु अमंग द फॉलोइंग रॉट मेजेपा ए लॉन्ग नरेटिव पोएम, बहुत लंबा पोएम था अबाउट 17th सेंचुरी का मिलिट्री लीडर ऑफ यूक्रेन। ए विलियम कॉपर, बी लॉर्ड बायरन, सी पी बी सेली और डी है आपका एस टी कॉल। बताएंगे फ्रेंड्स 20 का आंसर क्या हो जाएगा। देखिए बी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड बायरन हो जाएगा राइट आंसर। ये कब थे 17th सेंचुरी के थे। आइए देखिए आता है क्वेश्चन 21 का आता है तो विच मैथोलॉजिकल करेक्टर इन फॉस्टर्स कंपेयर्ड इन द प्रोलॉग ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स। कहता है इनमें से कौन सा मैथोलॉजिकल करेक्टर है जो फॉस्टर्स को कंपेयर कर रूप में बताने का काम करती है वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है ठीक है फ्रेंड्स आपका कौन सा मेथोलॉजिकल करेक्टर्स है जो बताती है किस चीज के बारे में, प्रोलॉग ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स के बारे में। ए परसिवस, बी देसस, सी एकारस और डी है एकील्स।
21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका इकारस। आइए बढ़ते 22 नंबर की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर थीम्स इन विलियम कॉनग्रीव द वे ऑफ द वर्ल्ड, कहता है इनमें से कौन सा जो मेजर सबसे इंपॉर्टेंट थीम से जाना जाता है विलियम कॉनग्रीव का द वे ऑफ द वर्ल्ड के रूप में। ए जेलसी एंड रिवेंज, बी लव एंड इंटरव्यू, सी इंटरव्यू एंड डेथ, और यहाँ डी आपका लव एंड लॉयलिटी। कहता है इनमें से कौन सा जो बहुत मेजर बहुत बड़ा थीम्स था विलियम कॉनग्रीव का, वो आपका देखिए ऑप्शन नंबर बी था लव एंड इंटरव्यू। आइए आते फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन 23 की आते हैं। देखिए कहता है 23 नंबर की और बढ़ते हैं। वो कहता है द डचेज ऑफ माल्पीज बेस्ड ऑन ए फ्रेंच रोमांस इटालियन नोवेला इसी जर्मन फैबल डी ए स्कॉटिश क्रॉनिकल। देखिए हो जाएगा मिस्त्री का फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ए इटालियन नोवेला। आई बढ़ते हैं 24 नंबर की और। विच टू ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स आर टू बी scrupulously followed to avoid the trap of plagiarism, बताना इनमें से दो कौन सा है जाना जाता है पहलू है। ए देखिए ट्रूथ ऑप्शन दिया गया है, बताएंगे 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन दिखाई पड़ रहा होगा। देखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा टू एंड थ्री ओनली, मतलब एक्नोलेजमेंट ऑन सिटेलियन हो जाएगा। ये बढ़ते फ्रेंड्स 25 नंबर की और। विच टू टेक्स्ट अमंग द फॉलोइंग आर लिंक्ड टू लिटररी फेमिनिज्म, जाना जाता है कौन से दो हैं। 1, 2, 3, 4 देखिए ऑप्शन दिए गए, उसके बाद ऑप्शन ए है 1 और 4, बी है 3 और 4, बताना इनमें से कौन सा दो टेक्स्ट था जाना जाता है लिटररी फेमिनिज्म के बारे में। देखिए वो आपका फ्रेंड्स है 3 और 4 ओनली हो जाएगा, मीन्स आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मीन्स इमा एंड ए रूम ऑफ वंस ऑन। आइए बढ़ते 26 नंबर की और। हु अमंग द फॉलोइंग बिलीव दैट राइम इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पोएट्री, इनमें से कौन सा जो है राइम जो है इंटीग्रल पार्ट ऑफ पोएट्री नहीं जाना जाता है। ए विलियम वर्ड्सवर्थ, बी हॉरेस, सी सैमुअल डेनियल, और बी फोर है फिलिम सिडनी। देखिए ऑप्शन नंबर यहां पर दिया गया 1 और 3, 2 और 4, 1 और 4 ओनली एंड 4 और 3 ओनली, बताएं क्या होगा। देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 और 4 ओनली हो जाएगा, मतलब जाने ये नहीं जाते हैं इंटीग्रल पार्ट ऑफ पोएट्री के, मतलब आपका हॉरिस और फिलिप सिडनी नहीं जाने आते हैं। आइए तो फ्रेंड 27 नंबर की और। कहता है 27 नंबर कहता है, पर ध्यान से समझिएगा क्या कहता है। देखिएगा 27 नंबर कहता है विच टू ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स आर डिस्कस्ड इन सैमुअल्स पेप्सी डायरी, द प्लेग इन लंदन, द ग्रेट फायर ऑफ लंदन, द वार ऑफ द स्पेनिश सक्सेशन, एसेक्स रिबेलियन, कौन सा दो जाने जाते हैं डिस्क्राइब सैमुअल्स पेप्सी डायरी का। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया 1, 2, 1 और 3, 2 और 3 और 2 और 4। हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 ओनली, द प्लेग इन लंदन एंड द ग्रेट फायर ऑफ लंदन। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट 28 नंबर की ओर। प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर अक्टूबर 2020 का है। विच टू रिवर्स आर मेंशन्ड बाय एंड्रयू मार्वेल एट द बिगिनिंग ऑफ टू ईच क्वाइम स्पेस, एंड्रयू मार्वेल ने दो रिवर का कौन सा मेंशन किया था ठीक है स्टार्टिंग में। द गंगेज, थेम्स, हम्बर, द थेलम, ठीक है द झेलम, ठीक है बताना फ्रेंड्स कौन सा होगा। यहाँ पे 1, 4 दिया गया, 1, 2 है, 1, 3 है, 2 और 3 है, फ्रेंड्स 1, 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। द गंगेज और हम्बर का यहाँ पे यूज किया था किसने, एंड्रयू मार्वेल टू हिज क्वाइट मेटर्स में। ओके फ्रेंड्स थैंक यू, फिर मिलेंगे वीडियो में और मोर टॉपिक के साथ। थैंक यू।